हाँ जी, ये जो ट्रेनिंग आपने लगाई हुई थी, जिसको आज आपने जो है वो एंड किया, जिस ट्रेनिंग का, तो उसके बारे में आप बताएंगे सर? जी सर, हम यहाँ डाइट कोच में खड़े हैं और आज हमारा ट्रेनिंग का जो सेकंड डे था वो अभी कंप्लीट हुआ है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम गाइडेंस और काउंसलिंग के थीम्स के बारे में रखा गया था और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के जम्मू के अंदर एक गाइडेंस और काउंसलिंग सेल एस्टेब्लिश है। पिछले 4 साल से वो काम कर रहा है। SCERT डायरेक्टर मैम के दायित्व पर, उनके डायरेक्शंस पर हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा रहे हैं, काउंसलिंग के रिलेटेड भी और हमारे दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड भी। तो हमारा ये काउंसलिंग का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये कल 27th को पहला दिन था और आज 28th अगस्त 2021, ये आज हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हुआ है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हमारा एक गाइडेंस है, काउंसलिंग कैलेंडर है, जिसमें हर मंथ्स की जो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ हमने स्कूल्स के अंदर करवानी हैं। हमारे स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग सेल्स एस्टेब्लिश हैं, वहाँ कैंटी काउंसलर्स काम कर रहे हैं। आज की डेट तक ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग सेल एस्टेब्लिश हैं। मिडिल स्कूल्स के अंदर भी काउंसलिंग सेल्स एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 6th ऑनवर्ड जो है हमारे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो हमने लगाने हैं वहाँ। NEP के नज़र के अंदर जो NEP की पॉलिसी है उसमें दिए गए हैं, तो उस सेंस में देखा गया है कि हमारा ये काउंसलिंग जो सिस्टम है, इसमें आज कोविड के पीरियड में भी हमें कुछ और चैलेंजेस जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जिनके हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, उसके रिलेटेड भी ये काउंसलिंग एस्पेक्ट जो है हमें इसको काफ़ी ध्यान से देखना है और चलाना है। तो उसके इवज में ही हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे 5-6 RPs थे, जिसमें सरदार मनमोहन सिंह जी, तृप्ता मैडम जी, मंजीत कौर, हमारे तेजिंदर जी, हमारे एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन काउंसिलिंग सर सी अलका मैडम जी। तो इसी तरह मैंने इस कोऑर्डिनेटरशिप के अंदर, हमारी कोऑर्डिनेटरशिप के अंदर ये प्रोग्राम हुआ। इसमें हमारा जो टारगेट था वो 125 था और इसमें 120 जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जुड़े रहे। इनने 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया और काफ़ी अच्छी हमें फीडबैक मिली और ये देखा गया कि जो भी सितंबर से ऑनवर्ड्स हमारी जो काउंसलिंग एक्टिविटीज हैं वो 100% वो जो हैं वो अचीव हो जाएंगी।